नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ में जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबर मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज से। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की तहसील नसरुल्लागंज के महज 30 किलोमीटर में मौजूद टपकेश्वर महादेव मंदिर के खासियत है कि यहाँ जितनी भी जोर से भगवान भोले का जयकारा लगाया जाता है उतनी तेजी से गुफा में शिवलिंग पर जल टपकता है। सावन ही नहीं, साल के 12 महीने यहाँ प्राकृतिक भगवान शिव का अभिषेक करती रहती है। जी हाँ, स्थानीय नागरिकों ने बताया है कि यहाँ भयंकर गर्मी के दिनों में भी पहाड़ों से पानी रिसता रहता है और इस पानी से नित्य निरंतर भगवान भोले का अभिषेक होता रहता है। टपकते हुए इस पानी से भगवान का अभिषेक होने के कारण इसका नाम टपकेश्वर महादेव पड़ गया है। यहाँ साल के 12 महीने श्रद्धालु अभिषेक पूजन करने आते ही रहते हैं। वहीं यह पानी का स्रोत कहाँ से आता है, यह बात आज तक रहस्य बनी हुई है। चट्टानों से बनी हुई इस गुफा में विशेष देखते ही बनती है और विशेष पूजा अर्चना यूँ तो पूरे वर्ष चलती रहती है, लेकिन महाशिवरात्रि के में इस स्थान पर का जो महत्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यहाँ गुफा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में 4 किलोमीटर अंदर पहाड़ी में होने के कारण इस गुफा में सैकड़ों सिद्ध संत महात्मा पूजा अर्चना करते हुए कई सिद्ध महात्माओं ने यहाँ पर तपस्या करके सिद्धियाँ प्राप्त की है। वहीं अगर बात की जाए दर्शनार्थियों की तो उन्होंने ये बताया है कि हम हर वर्ष यहाँ आते हैं और भोलेनाथ का पूजन अर्चना करते हैं और अभिषेक करते हैं। बोलबम महादेव से मनोकामना की जाती है कि टपकेश्वर महादेव हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और महादेव भोले भंडारी चमत्कार को देखकर यह श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन की मनोकामना लिए आते हैं। यदि मध्य प्रदेश के नसरुल्लागंज से पवन महेश्वरी की खास रिपोर्ट, आप देखते रहिए भारत न्यूज टीवी। ये पहाड़ बीएस का पानी पत्तों का चाहिए गया पानी के पत्तों का पानी कितनी दूर हो रहा है? अब मैं पहली बार ही आया यार, देखो आज ही दूर तो मान ले आज ही दूर नहीं, मैं थोड़ा सा ही नजदीक है। नहीं नहीं, थोड़ा सा नजदीक नहीं है। पहले कौन आया भैया? कोई आया पहले? कितना दूर हो रहे? 10 किलोमीटर। क्या है? मेरा नाम पुष्पेंद्र चौक से है। आप कहाँ से आए हैं? मैं होशंगाबाद जिले से आया हूँ। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आप भोलेनाथ जी की एक प्रतिमा है जो जिस पर लगातार यहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है। इस मंदिर की क्या विशेषता है और आपको यहाँ का कैसे पता चला? यहाँ हम आते तो काफ़ी टाइम से हैं। पहले बचपन में सुना था मम्मी पापा और दादा दादी के मुँह से कि यहाँ पे मंदिर है। फिर मन में जागा कि जाना चाहिए। हम यहाँ पास में से आते हैं, यहाँ 5 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ता है। ये पहाड़ों के बीच में बहुत प्रसिद्धि लगी है। यहाँ 12 मासी भले ही कितनी गर्मी क्यों ना हो, लेकिन यहाँ भोलेनाथ की पिंडी के ऊपर कभी पानी बाहर नहीं होता, 12 मासी पानी रहता है। इसलिए इस जगह का नाम टपकेश्वर है। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश साहू। कैलाश जी, देख रहे हैं कि एक यहाँ भोले जी की एक प्रतिमा है जिसके ऊपर लगातार पानी गिरता रहता है, आखिर ये क्या एक विशेषता है इस मंदिर की और यहाँ इसका टपकेश्वर महादेव मंदिर नाम कैसे पड़ा? ये विंध्याचल के पर्वत के बीचों बीच स्थित है और हम लोग टपकेश्वर के नाम से इस मंदिर को जानते हैं। यहाँ पर जितने बार हम मतलब जोर जोर से बोलेंगे तो यहाँ पर पानी आप रूप पहाड़ियों के पहाड़ के नीचे से यहाँ पर टपकते हैं। हम जितना भी जयकारा बोलेंगे उतना तेज मतलब पानी यहाँ पर गिरता है।
पंडित जी, ये जो मंदिर है ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मंदिर है और बहुत प्रसिद्ध मंदिर, इस मंदिर की क्या विशेषता है? इस मंदिर की व्यवस्था है कि 24 घंटा अभिषेक जल होता, जल तो गिरता रहता नीचे भगवान भोलेनाथ की पिंडी पर, तो अभिषेक होता रहता है 24 घंटे। ये तो सिद्ध जगह है, तो बहुत पुरानी जगह है, हजार वर्ष पुरानी है। इस मंदिर का नाम टपकेश्वर महादेव मंदिर कैसे पड़ा? जी सर, यहाँ पे जो है कि बाबा भोलेनाथ उठे थे और उन्होंने ये गंगा प्रकट करी, जब से ये टपकेश्वर के नाम से जाना जाता। यहाँ पे कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ तो हर जगह से लोग आते हैं, अब कहाँ का नाम बताएं आपको, दिल्ली मुंबई कलकत्ता सभी जगह के बड़े बड़े लोग आते हैं, अपना अभिषेक करके आते हैं और जो भी उनकी मनोकामना पूरी पूर्ण होती है वहाँ जाते हैं। ये शहर से कितनी दूर बसा हुआ है? ये शहर से 5 किलोमीटर दूर। ये जंगलों के बीचों बीच बसा हुआ है, यहाँ पे लोगों को किस प्रकार से आने की हमें यहाँ तकलीफ परेशानियाँ क्या उठानी पड़ती हैं? ये रोड नहीं है और लाइट वगैरह नहीं है यहाँ पे, तो रात में दिक्कत होती है यहाँ पे रहने में भी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज़ टीवी खबरों की पड़ताल।